हेलो फ्रेंड्स, मैं जयदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल सृजन में। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। जी हाँ, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आज हम बनाने वाले हैं, जिसका नाम है हापू सिंह। तो हम उसका एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये मैंने वीडियो टाइम लैप्स की है, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि पोर्ट्रेट है और पोर्ट्रेट में हमने थोड़ा रियलिस्टिक देने की कोशिश की है, तो थोड़ा लंबा हो गया ये वीडियो, तो इसलिए मैंने इसको टाइम लैप्स किया है। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम होगी वहाँ मैं बताता जाऊँगा। सबसे पहले एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम अपने पोर्ट्रेट की। कोशिश ये कीजिएगा कि आप जब भी ड्रॉ करें तो आपकी लाइंस थिक ना हो, एकदम हल्की हो, जिससे आप कोई भी मिस्टेक को आसानी से इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। अगर आप उसको मोटी रखेंगे, डार्क रखेंगे, तो प्रॉब्लम आएगी, आपकी शीट भी ख़राब हो सकती है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप जब भी ड्रॉ करें तो उसको लाइट ड्रॉ करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्रोपोर्शन का ध्यान रखें। जब भी आप पोर्ट्रेट बनाएं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट बनाएं या फिर पोर्ट्रेट बनाएं, लाइफ स्टडी बनाएं, आप प्रोपोर्शन का ध्यान रखिए। देखिए, बिगनर्स को मैं बता देता हूं कि अगर आप पहली फर्स्ट टाइम किसी पोर्ट्रेट को बना रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मैच करें। आप जिसका पोर्ट्रेट बना रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेम दिखे, डिटो दिखे। कोशिश ये रहनी चाहिए कि उसका प्रोपोर्शन अच्छा हो, प्रोपोर्शनेट हो, बैलेंस हो। यहाँ हमने लगभग आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है। आउटलाइन लगभग पूरा ड्रॉ हो गया है। अब बारी है शेडिंग की, तो शेडिंग हम सबसे पहले लाइट टोन करेंगे। शेडिंग की टोन होती है लाइट टोन, मिड टोन, मिडिल टोन और डार्क टोन। ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ आपको, नोज़ का, फोरहेड का, ये वो पार्ट है जो आपको हाईलाइट रखने होते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि ये पार्ट आप अवॉइड करें। जब भी आप ड्रॉ कर रहे हैं, जब भी आप शेडिंग कर रहे हैं, तो ये पार्ट आप अवॉइड करें, क्योंकि हाईलाइट को छोड़ के चलेंगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी उसको इरेज करने में। हमारा फर्स्ट टोन हो चुका है, अब हम मिडिल टोन करेंगे। देखिए, स्टेप होते हैं फर्स्ट टोन, मिडिल टोन, डार्क टोन। अगर आप इस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर डार्क टू लाइट चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप डार्क टोन करते हैं तो आप उसे इरेज नहीं कर पाते हैं सही से, आप शीट ख़राब कर देते हैं, पूरी शीट ब्लैक हो जाती है। तो लगभग सबसे पहले लाइट टोन करें 2B से, 3B से,
फिर मिड टोन करें 4B 6B, उसके बाद जब डार्क टोन का शेडिंग का वक्त आता है तो उसमें आप 6B से 10B तक यूज़ ले सकते हैं। यहाँ देखिए अभी मैं सिर्फ मिड टोन दे रहा हूँ और जहाँ जहाँ मिड टोन है, जिस जिस पार्ट पे मिड टोन है, मिडिल टोन है, वहाँ मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ। फेस का जो भी साइड पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट जब आप देखते हैं किसी फेस का, तो उसमें ज़्यादातर हाईलाइट होती हैं और फर्स्ट टोन होती हैं, लाइट टोन होती हैं। ज़रा सा आप उसका एंगल चेंज करेंगे, साइड फेस देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ी मिड टोन नज़र आती है, मिडिल टोन नज़र आती है। और डार्क टोन आपको जैसे कि पता ही होगा कि नॉस्ट्रल्स में, ईयर्स में और हेयर में जब हम ड्रॉ करते हैं, शेडिंग करते हैं, वहाँ पर डार्क टोन और डीप टोन, डीप डार्क टोन यूज़ में लेते हैं। आईबॉल्स को भी हम डार्क करते हैं, डार्क टोन करते हैं। तो ये पार्ट वो है जो हम डार्क से शेडिंग करते हैं, डार्क टोन करते हैं, वो लास्ट में हम इनको यूज़ में लेते हैं। आईब्रोज को हम थोड़ा डिटेलिंग बाद में देंगे, सबसे पहले हम मिड टोन कर रहे हैं। यहाँ पर जितना हो सके उतना आप पेशेंस से काम करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि एक अच्छा पोर्ट्रेट, एक अच्छा लाइफ स्टडी, एक अच्छा स्टिल लाइफ तभी बन सकता है रियलिस्टिक, जब आप उसको टाइम देते हैं, उस आर्ट वर्क में पेशेंस रखते हैं। अगर आप जल्दी करेंगे तो अपना आप काम ख़राब करते हैं, इसलिए जल्दबाजी ना करें, अपना टाइम दें, अपने आर्ट को पेशेंस रखें। मैं यहाँ पर आईबॉल्स को थोड़ा सा डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर नोस्ट्रल्स में देखिए डीप डार्क टोन हमने यूज़ में ली है, और इसकी नोज़ में जो साइड में एक इसका चिक है वो थोड़ा सा दबा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर मैंने शेडो देने की कोशिश की है। जैसे कि आप देख रहे हैं हाथ से इसका एक गाल दबा हुआ है, तो वहाँ पर नाक के पास देखेंगे आप डार्क टोन नज़र आएगी, वो वहाँ पर हमने डार्क टोन दी है। यहाँ हमने मिड टोन पूरी कंप्लीट कर ली है, उसके बाद में थोड़ा शुरू करते हैं डार्क टोन करने के लिए। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी तक मैंने उस पार्ट को बिल्कुल भी टच नहीं किया है जो हाईलाइट है, फोरहेड, नोज के ऊपर, चिन पर, यहाँ अभी तक हमने कुछ भी टच नहीं किया है, कुछ भी शेडिंग नहीं दी है। ये यहाँ पर मैं कास्ट शेडिंग कर रहा हूँ।
आँखों के नीचे का जो पार्ट होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपको ड्रॉ करना, आपको शेडिंग करना, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा किसी की आँखें थोड़ी मोटी होती हैं, किसी की आँखें थोड़ी दबी हुई होती हैं, तो वहाँ पर शेडो देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वहाँ उस पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना होता है, क्योंकि अगर उस पार्ट को अगर थोड़ा ध्यान से नहीं देखेंगे तो वो पार्ट एकदम फ्लैट हो जाता है। फ्लैट से याद आया, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आप शेडिंग करते हैं किसी चीज़ में तो एक शेडिंग ही है, रेंडरिंग, शेडिंग के लिए कह लीजिए, रेंडरिंग कह लीजिए। जब आप किसी पोर्ट्रेट में शेडिंग करते हैं, किसी स्टिल लाइफ में शेडिंग करते हैं, तो वो शेडिंग की एक ऐसी चीज़ है जो आपके ड्राइंग को, ड्राइंग में थोड़ी जान भरती है। वरना आप किसी भी ड्राइंग को देखिए, वो एकदम फ्लैट हो जाती है, उसमें टू डायमेंशनल जो इफेक्ट होता है वो दिखता है, 3D आप नहीं दे पाते हैं उसमें। तो इसलिए शेडिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ड्राइंग का। शेडिंग सेकंड नंबर पर आती है, जब आप ड्राइंग अच्छे से करते हैं, प्रोपोर्शन अच्छे से करते हैं, उसके बाद में शेडिंग सेकंड नंबर पर आती है। इससे पहले आपका मेन जो पार्ट होता है वो है ड्राइंग, आपका पोर्ट्रेट प्रोपोर्शन होना चाहिए, आपकी लाइफ स्टडी प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। देखिए, हमने जो फेस का है वो सारा पार्ट मिड टोन से और डार्क टोन से कंप्लीट कर लिया है, अब हम हेयर में डिटेलिंग करेंगे। बालों में डिटेलिंग करने के लिए सबसे पहले आप तो लाइट टोन दें और उसको स्मज कर लें। स्मज करने के बाद आपका एक बेस हो जाता है कि बालों में जो लाइट टोन होती है उसका बेस आपको मिल जाता है। उसके बाद मिड टोन दीजिए, मिड टोन के बाद आप डार्क टोन से उसकी, जिस तरह से आप बालों को कर्व देना चाहते हैं उस तरह से बालों में कर्व दे सकते हैं डार्क टोन से। बालों के मूवमेंट्स जहाँ जा रहे हैं, जहाँ बालों के कर्व हो रहे हैं, जैसे जैसे बाल मुड़ रहे हैं वैसे आप उनको डार्क लाइन से कर्व दे सकते हैं, डिटेलिंग दे सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो उसे जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इस चीज़ का बेनिफिट्स औरों को मिल सके। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। यहाँ पर हमने मोनो इरेजर से इसकी हाईलाइट निकालने की कोशिश की है बालों की। देखिए, शर्ट की बारी आती है, तो शर्ट में जैसे कि आप फोटोग्राफ में देखेंगे कि जो शर्ट है
इसका वो बहुत ही ब्राइट है, मतलब थोड़ा लाइट भी है, तो हेयर और फेस की जो डिटेलिंग है, जो शेडिंग है, उससे बहुत लाइट करने की कोशिश की है इस शर्ट को। इसमें ज़्यादा शेडिंग हम नहीं करेंगे, इसमें लाइट टोन हम इसमें यूज़ करेंगे। डार्क टोन वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ इसकी फोल्ड है, जहाँ पर कॉलर के नीचे शेडो आ रही है, वहाँ पर हम इसको डार्क देने की कोशिश करेंगे। बाकी पूरा जो भी शर्ट है इसका वो लाइट है। आप देख भी सकते हैं कि हमने इसकी जो अंडरगारमेंट्स हैं वो जो वाइट बनियान है उसमें कोई भी शेडिंग नहीं दी है, उसको फ्लैट छोड़ दिया है, वाइट छोड़ दिया जिससे थोड़ा डिफरेंट लगे। जहाँ शेडो है कॉलर्स की फोल्ड हो रहा है, जहाँ पर कपड़ा, जहाँ पर शर्ट फोल्ड हो रही है, वहाँ हमने इसमें डार्क देने की कोशिश की है। बाकी इस शर्ट में लाइट टोन हम पूरे में यूज़ करेंगे। लास्ट फाइनल टच हम दे देते हैं इस फेस में, जहाँ भी हमें लगता है कि यहाँ हमें डार्क करना चाहिए वहाँ हम डार्क कर देते हैं, और टिश्यू पेपर से इसको स्मज कर देते हैं हल्का सा मिक्स करने के लिए। तो ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको इसमें सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ 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 बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी जो भी अपडेट्स हैं, जो भी वीडियोस हैं, आप तक टाइम से पहुँचते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जिससे औरों को भी इसका बेनिफिट्स मिल सके।